Hey, good morning guys. So I want to show you guys what my weight is today. Maine bhi apna P weight check nahi kiya hai. So let's do it together. To dream, believe in strength. 64.5. Nothing to say about it. सो लास्ट वीडियो वॉज फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, पर उस वीडियो में एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई. इतनी बड़ी गलती कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता. मैंने आपको सारा फूड दिखाया, बट हमारी जो एक मील मेरी फेवरेट मील मेरे से गुस्सा कर बैठ गई है, बिकॉज मैंने उसको उस वीडियो में नहीं दिखाया. बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोना शो यू दैट इन दिस वीडियो. सो जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो दिखाई थी ओट्स की, तब मैं फ्लेवर्ड ओट्स यूज़ करता था, बट अब एक दो मंथ हो गए हैं कि मैं वो नहीं यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ ये मुझे बहुत सही लगते हैं. ये मैं अनफ्लेवर्ड क्रैकर के ओट्स यूज़ कर रहा हूँ. अराउंड 80 ग्राम में लूँगा. इसमें हम वाटर फिल करेंगे. सो इसमें हम काफ़ी वाटर डालेंगे. ये मेन रोल प्ले करेगा इसको वॉल्यूम देने के लिए. अब इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे 5 मिनट्स के लिए. सो गाइस, 5 मिनट के बाद आपके ओट्स ऐसे लगेंगे. इसमें अभी भी थोड़ा बहुत वाटर होगा, बट ओट्स एंड वे उसका ध्यान रख लेंगे. सो नाउ हम इसमें पीनट बटर ऐड करेंगे. मेरे पास दो ब्रांड के पीनट बटर हैं, डॉक्टर ओटकर एंड वीबा, बट दिस टाइम वी आर गोना यूज दिस. एंड दिस इज़ ऑल्सो एनरिच्ड विद कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड डी एंड स्टफ. एंड इसका हम अराउंड डालेंगे 20 ग्राम ऑफ पीनट बटर. बी अराउंड 20, यस दिस इज 21. सो हम एक वे प्रोटीन का स्कूप ऐड करेंगे इसमें. वे प्रोटीन के स्कूप का बेनिफिट ये है, एक तो इससे हमें प्रोटीन मिलेगा, एक ये शुगर का भी काम करेगा. आपको कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करने पड़ेंगे इसको फ्लेवर करने के लिए. अगर आप पूरा स्कूप नहीं ऐड करना चाहते हो तो वे का हाफ स्कूप भी मोर देन इनफ होगा इसको स्वीट बनाने के लिए. अब हमें इसको मिक्स करना है ढंग से, जिसमें 3-4 मिनट लो. इसको ढंग से मिक्स करो तो क्या होगा कि जो वे प्रोटीन होगा एंड पीनट बटर होगा, वे ये इसको और थिक कर देंगे. एंड आपके पास है एक हाई वॉल्यूम मील, एंड जो आपको कटिंग में बहुत हेल्प करेगी, आपको फुल रखेगी. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो आई एम गोना हैव इट नाउ. एंड मैं आप लोगों को जरूर रेकमेंड करूंगा कि इसको ट्राई करो, स्पेशली व्हेन यू आर कटिंग. इस काइंड ऑफ अ स्वीट डिश एज वेल, हाई वॉल्यूम मील, एंड आपको और क्या चाहिए. सो लेट मी टेल यू कि मैंने जिम के लिए क्या क्या ऑर्डर किया है. सो गाइस, आई हैव नॉट ऑर्डर ऑल द मशीन्स, वेल आई हैव नॉट ऑर्डर एनी मशीन्स. मैंने बहुत ही कम सामान ऑर्डर किया है, बिकॉज आई नो कि मेरे पास स्किल्स हैं कि मैं उस सामान से ही सारे मसल्स को ट्रेन कर सकता हूँ, जो कि मैं जब वो इक्विपमेंट आ जाएंगे मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कैसे करूँगा. बिकॉज द थिंग इज़ दैट मेरा इस जिम के साथ गोल ये था कि मुझे कम से कम पैसे खर्च करने पड़े एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सकूं. सो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट तो होंगी जो हमें एटलीस्ट चाहिए ही होंगी. हम सब कुछ तो एक्सक्लूड नहीं कर सकेंगे. मैं नहीं कहूँगा कि मैं ओनली रोड ले आऊँ एंड बारबेल ले आऊँ और सब कुछ चल जाएगा, फिर नहीं चलेगा. बट मैंने जो इक्विपमेंट ऑर्डर किए हैं, बिलीव मी, मैं 90% और 99% ऑफ माई मसल्स को प्रॉपरली ट्रेन कर लूँगा. हाँ, वेरिएशंस की कमी होगी एंड स्टफ लाइक दैट, बट फिर भी आई कैन मैनेज विद दिस इक्विपमेंट्स एंड दैट वाज माई गोल विद दिस सिम. सो लेट मी टेल यू कि मैंने क्या क्या बाय किया. सो मैं आपको एक लिस्ट स्क्रीन पे शो कर दूंगा जो मैंने जहाँ से बाय किया उन्होंने मुझे शो किया है. मैं प्राइस वगैरह को हाइड कर लूँगा, आई डोंट नो वाई, बस जस्ट मैं हाइड करना चाहता हूँ. सो मैंने एक पावर केज बाय किया है. ओके, सो मैंने प्लेट्स बाय किए हैं, 25 की 2 प्लेट्स, 20 की 4 प्लेट्स, 15 की 2 प्लेट्स, 10 की 4 प्लेट्स, 5 kg की 2 प्लेट्स एंड 2 kg की भी मेरे ख्याल में 3-4 प्लेट्स ऑर्डर किए हैं. सो मैंने एक फ्लैट बेंच ऑर्डर किया है, मैंने एक एडजस्टेबल बेंच ऑर्डर किया है, मैंने एक ओलंपिक बार ऑर्डर की है जो 7 फीट की होगी, एंड मैंने एक और ओलंपिक बार ऑर्डर की है जो 4 फीट की होगी. 2 लॉक्स ऑर्डर किए हैं मैंने, 25 pieces ऑफ रबर टाइल्स ऑर्डर किए हैं जो फ्लोर पे लगेंगी. सो जो मैंने पहले आपको प्लेट्स बताया वो तो प्रॉपर ओलंपिक राउंड में डलने वाली प्लेट्स हैं ना, वो टॉप क्लास प्लेट्स हैं. बट मैंने और प्लेट्स ऑर्डर किए हैं जो कि बहुत चीप होंगी. जो प्लेट्स मैंने चीप वाली ऑर्डर की है उनसे मैं कस्टमाइज कर डंबल बनाया करूँगा. अराउंड 25 kg तक मैं डंबल बना लूँगा. एंड मैंने और एक चीज़ ऑर्डर की है जो अमेजोन से आएगी, 2 kg वेट के रिस्ट वेट्स ऑर्डर किए हैं. सो बस यही इक्विपमेंट्स मैंने ऑर्डर किए हैं. नाउ आई नो कि आपके मन में बहुत
विचार आएंगे कि यार इन सब से सब कुछ कैसे मैनेज होगा, बट यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड आई विल शो यू गाइस कि कैसे मैं इन इक्विपमेंट्स से अपने सारे मसल ग्रुप्स को प्रॉपरली ट्रेन करता हूँ। मैंने और कुछ नहीं ऑर्डर किया है, मैंने मनी सेव किया है। ऑब्वियसली मैं मनी सेव करना चाहता हूँ, मैं कोई मुकेश अंबानी नहीं हूँ जो 10 लाख की जिम अपने लिए खोल लूँगा। एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज विद ऑल दैट एंड आई विल बी इंटरेस्टिंग टू शो यू गाइस कि हाउ आई विल मैनेज विद ऑल दैट। कि अगर आपकी भी किसी की ऐसी सिचुएशन है जहाँ जिम नहीं है, बट अगर आप कहीं रह रहे हो जहाँ पे अच्छी जिम है, आपको उस जिम में जाना चाहिए। बिकॉज मेरी तो ये सिचुएशन है कि मेरे यहाँ पे जिम है नहीं एंड मुझे ओनली जिम के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा एंड मैं वो नहीं करना चाहता। सो दैट्स वाई मैं अपना इक्विपमेंट घर पे ला रहा हूँ एंड आई विल ट्राई टू मैनेज विद ऑल दैट। हे गाइस, सॉरी फॉर द बैड ऑडियो क्वालिटी, कैमरा का माइक्रोफोन है। सो अभी मैं जिम गया, जिम बंद थी, ये मेरा जिम बैग पड़ा है। सो जिम बंद थी तो मैं इधर आ गया हमारी जिम स्पेस पे। ओके, हेयर इट इज़। सो मैं इधर इसलिए आया हूँ बिकॉज मैं डैड से बात कर रहा था अबाउट कि मैं ऐसा मुझे पेंट वगैरह करवाना है एंड कोई बंदा है या स्टफ लाइक दैट। सो डैड ने कहा कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग योर जिम हेयर, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि मैं क्या क्या यहाँ पे करना चाहता हूँ, व्हाई डोंट यू ओपन योर जिम हेयर। सो इधर क्या चक्कर है कि इधर मुझे ये भी कवर करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा एंड प्रोटेक्शन भी कम होगी बिकॉज कोई भी बाहर से इधर से आकर यहाँ से कुछ भी लेकर जा सकता है। सो ही सेड कि अभी अगर तुझे इतनी कुछ जगह ही चाहिए तो सेम टू सेम जगह इधर भी है, तो तू इधर क्यों नहीं अपना सामान रख लेता। सो दैट्स व्हाई मैं इधर आया था कि मैं देखूँ कि ये क्या हाल चाल है इसका। इधर चल सकता है काम, इधर भी काम चल सकता है। आई डोंट नो कि वो पावर केज इधर आएगी कि नहीं, मैं मेजर कर रहा था इसलिए। ये 3 फीट है, 3.5 फीट है, इधर तो ऑब्वियसली पावर केज आ जाएगी। इधर का मुझे पता नहीं पावर केज आए कि नहीं, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट इट, अभी श्योर नहीं है। बट आई विल सी, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं एंड मुझे अब वो वाली ऑप्शन थोड़ी सी सही लग रही है ज़्यादा, बिकॉज वो कवर्ड है एंड स्टफ लाइक दैट। बट ये भी सही है, ये ओपन होगा थोड़ा सा, बट वो सी मैं इसलिए आया था ये सब करने। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गो टू जिम। यार जिम में इसलिए जल्दी गया था बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करके सभी लोगों के आने से पहले चला जाऊँ, बट पागल इंसानों ने जिम बंद कर रखी है। Hey guys, so I started with deadlift. ये मेरा लास्ट वीक का लेग वर्कआउट है, जो लास्ट वर्कआउट था day 4 का एंड मैंने इसके लास्ट में थोड़ी बहुत इस वीक के day 1 की वर्कआउट भी फुटेज भी इंक्लूड कर ली है एंड दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट फुटेज डेट यू विल सी इन दिस जिम। इसके बाद मैं अपनी जिम में ट्रेन करने लग जाऊँगा एंड मैंने स्टार्ट किया डेडलिफ्ट से। डेडलिफ्ट की ग्रिप सबसे सही फील की इन अ लॉन्ग टाइम एंड उसका क्रेडिट जाता है एक वीडियो जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, उसमें वो बता रहा था कि आपको बार को कैसे ग्रिप करना चाहिए विद स्ट्रैप्स। सो वो सिंपल टिप ये थी कि आप जब रॉड को ग्रिप करना स्टार्ट करते हो, फर्स्ट आप जो रोल करोगे उसको रॉड के ऊपर से करने के बजाय उसको नीचे से रोल को स्टार्ट करो एंड ये सिंपल टिप ने मुझे हेल्प किया टू ग्रिप द रॉड प्रॉपरली। मैंने इतने स्ट्रैप्स मंगवाए, 3-4 स्ट्रैप्स के पेयर मैंने मंगवाए, एक दो वापस कर दिए, एक दो मेरे पास पड़े हैं, बट कोई भी चीज़ मुझे वो ग्रिप करने में हेल्प नहीं कर रही थी। एक रीज़न हो सकता है कि रॉड भी चेंज हुई है बिकॉज चंडीगढ़ वाली जिम की रॉड का भी इशू हो सकता है, बट आई होप कि जो टिप उसने दी थी उसने मुझे हेल्प किया बिकॉज अब जब मैं नई जिम में ट्रेन करूँगा तो उसमें वही रॉड होगी जो चंडीगढ़ वाली जिम में रॉड थी एंड जो चंडीगढ़ वाली जिम में रॉड थी वो तो थोड़ी सी पुरानी भी होगी। मेरी वाली जो रॉड है जो आएगी वो तो बिल्कुल नई रॉड होगी एंड आई एम रियली एक्साइटेड गाइस कि अब मैं अच्छी जिम में ट्रेन कर पाऊँगा इन केम करन। उस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज अच्छी जिम में तो मैंने काफ़ी ट्रेन किया हुआ है, बट खेम करन में रहकर मैं ओलंपिक पाबल से ट्रेन कर पाऊँगा, प्रॉपर प्लेट से ट्रेन कर पाऊँगा, एक स्क्वाट रैक में स्क्वाट कर पाऊँगा एंड स्टफ लाइक दैट एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। सो अबाउट द ट्रेनिंग गाइस, लास्ट 2 वीक्स से मेरी ट्रेनिंग तो अजीब सी ही है बिकॉज मैं इस जिम में ट्रेन कर रहा हूँ
एंड जब आप एक जिम में ट्रेन कर रहे हो जहाँ आपके नंबर्स वगैरह सेट हैं, आपको पता है कि आपकी क्या लिफ्ट्स में क्या स्ट्रेंथ लेवल है, सो ऑप्टिमल तो ये होता कि मैं अपने लास्ट 4 वीक्स भी उसी जिम में खत्म करता, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज गाइस वहाँ 3 मंथ का ही पैकेज था, या तो मैं फिर एक पैकेज लेता बट मेरा वहाँ रहने का मन नहीं था, सो हमें ये तो करना ही पड़ना था। बट इन दिस 2 वीक्स मैं जो वेट ऑन द बार एब्सोल्यूट वेट है उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज वो तो वेरी करेगा। इस जिम में रॉड्स का डिफरेंस है, प्लेट्स के वेट का डिफरेंस है, स्टेबिलिटी का इशू है, सो वो सब चीज़ें मेरे स्क्वाट को, डेडलिफ्ट को, बेंच प्रेस को इफेक्ट करेंगे। इस जिम में बेंच का इशू है कि बेंच का रिट्रैक्ट नहीं आप कर पाते एंड स्टफ लाइक दैट। सो जो मैं अपने पुराने जिम के नंबर है चंडीगढ़ वाले जिम के, उसके नंबर्स को देखूंगा तो वो अजीब सा होगा। सो दैट्स वाई मैं रिलेटिव इंटेंसिटी मेंटेन कर रहा हूँ कि अपनी अगर मैं लाइक 10 रैप मैक्सिमम है जो मेरी, वो मैं हिट कर रहा हूँ, लाइक अपना RPE मेंटेन कर रहा हूँ, एंड आई होप कि वो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है टू मेंटेन मसल, बिकॉज वो मुझे पता लग जाएगा मैं अपनी जिम में ट्रेन करूँगा, वेट वगैरह प्रॉपर होगा, रॉड सेम होगी, मोस्टली कंडीशंस चंडीगढ़ वाली जिम जैसी होगी, सो मैं देखूंगा कि क्या मेरे स्ट्रेंथ नंबर्स हैं। सो गाइस दिस वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वर्कआउट जो था फर्स्ट वर्कआउट ऑफ दिस वीक। सो या दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, एंड आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू गाइस, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एज मच वैल्यू एज आई कैन टू यू गाइस। आई लव यू ऑल एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।